बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के काफिले पर हुए हमले के बाद से ही पश्चिम बंगाल की राजनीति गरमाई हुई है। एक ओर बीजेपी ने इस हमले का आरोप तृणमूल कांग्रेस पर लगाया है, वहीं राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने इसे नौटंकी करार दिया है। ममता ने इस घटना को बीजेपी का प्लान बताया है। गाड़ियां टूटी और पत्थर चले, बावजूद इसके ममता बनर्जी ये कहती हैं कि जो भी हुआ बीजेपी उसके पीछे है और नाटक कर रही है, अपने ही लोगों को सजा करके ये घटना जो है इसको अंजाम दिलाया। ये उनकी छोटी सोच का नतीजा है। इसी तरीके से उन्होंने जीवन गुजारा है और इसी तरीके से उनको अभी तक किसी का चैलेंज मिला नहीं है। अब भारतीय जनता पार्टी का चैलेंज मिला है, उनको समझ में आएगा, दूध का दूध पानी का पानी होगा, सच्चाई सामने आएगी। राजस्थान में जूनियर